स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार पांचवी बार नंबर बनाकर इंदौर ने स्वच्छता का सिरमौर बनकर जहां एक तरफ स्वच्छता में पंच लगाया है, तो वहीं इंदौर की स्वच्छता में छक्का लगाने पर अब शासन और प्रशासन के बीच विरोधाभास नजर आ रहा है। जहां एक और मुख्यमंत्री ने कल स्वच्छता भारत मिशन के तहत इंदौर का नया गाना लॉन्च किया, तो वहीं संभागायुक्त ने इंदौर को स्वच्छता सर्वेक्षण में शामिल न किए जाने की संभावना जताई है। दरअसल कल 26 जनवरी के मौके पर जहां बतौर नगर निगम प्रशासक संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने नगर निगम मुख्यालय पर ध्वजारोहण किया था, तो वहीं नेहरू स्टेडियम में आयोजित हुए गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में शिरकत करने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंचे थे। नगर निगम के ध्वजारोहण कार्यक्रम में संभागायुक्त ने जहां एक ओर इंदौर शहर को स्वच्छता के मामले में आइकॉनिक सिटी घोषित कर स्वच्छता सर्वेक्षण से दूर किए जाने की संभावना जताई थी, तो वहीं ब्रिलियंट सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत इंदौर के लिए नया गाना इंदौर लगाएगा स्वच्छता का छक्का गाना लॉन्च किया गया। एक ही दिन में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर शासन और प्रशासन की आई अलग अलग प्रतिक्रिया में एक नई बहस को जन्म दे दिया है, जिससे इंदौर के स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रतिभागी बनने पर संशय की स्थिति बन गई है। वहीं अब देखना होगा कि केंद्र सरकार द्वारा इस विषय को लेकर क्या फैसला लिया जाता है। इस मामले में संभागायुक्त की संभावना गलत साबित होती है या फिर नगर निगम और मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए इस गाने का बेमतलब होना साबित होता है। जीतने के लिए जरूरत है 6 रनों की और आगे आकर हाफ वॉली पर लिया, उठाया खूबसूरती के साथ लॉग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए बहुत ही खूबसूरत छक्का। उसी तरह से इंदौर लगातार 5 बार स्वच्छता में जीत चुका है और अब तैयार है पूरी तरह से लगाने के लिए स्वच्छता का छक्का। नहीं है क्योंकि शायद इंदौर को अगर आइकॉनिक सिटी में शामिल कर दिया जाता है, क्योंकि बाकी शहरों की कंप्लेन है कि वो फर्स्ट नहीं आ पा रहे हैं, तो हो सकता है कि हम 6ठी बार पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और आइकॉनिक सिटी के रूप में हमें अवार्ड के कंटेस्ट से बाहर रखा जाएगा। जो भी स्थिति होगी हम सब लोग उसके लिए तैयार हैं।